तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है एलवी यादव के साथ क्या सीन हो रखा है। एलवी यादव को बेबुनियाद चीजों में फंसाया जा रहा है, जो चीज से एलवी यादव का कोई भी लेना देना नहीं है। बट अभी यहाँ पे एलवी यादव को लेकर बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एलवी यादव को सपोर्ट में रिट्वीट करी है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी एलवी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे अभी कैरी मिनाटी ने एलवी यादव के ऊपर सरकेजम में एक स्टोरी डाल दी थी, जिसके बाद कैरी मिनाटी को क्या हेट पड़ी है एलवी यादव के फैंस के तरफ से, जिसके बाद अभी कैरी वाले स्टोरी को डिलीट कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को वाली स्टोरी दिखा देता हूँ। न्यूज़ देखिए, एक लड़की को सांप काट गया, तुरंत लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। इतना बुरा लग रहा है ना यार उस लड़की के लिए कि भैंसो 5 मिनट रुक जाओ यार, इंजॉय तो कर ले। तो न्यूज़ देखिए, एक लड़की को सांप काट। तो गाइस, ये स्टोरी डालने के बाद कैरी को इतना ज्यादा हेट पड़ने लगा कि कैरी को तुरंत ये स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। और उसके बाद कैरी मिनाटी इस चीज के लिए अपोलोजाइज करते हुए ट्वीट करते हुए कुछ है, गाइस आज मैंने एक स्टोरी डाल दी थी, मुझे पूरी सिचुएशन पता नहीं थी, जब पता चली तो मैंने तुरंत ही हटा दी। आई नो ये सब मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं है, आई विल बी बेटर देन दिस, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एंड इस ट्वीट के नीचे भी एलवी यादव के फैंस कैरी मिनाटी को हेट दे रहे हैं। तो बाकी गाइस, यहां पे आप लोगों को क्या लगता है, क्या कैरी मिनाटी जानबूझकर एलवी यादव के अगेंस्ट में वाली स्टोरी डाली थी, या जो भी वन जाने में, इसके बारे में आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। ऑल्सो गाइस, यही सब कंट्रोवर्सी पे भी कटारिया का भी रिएक्शन आ चुका, जहाँ पे कटारिया इन सब मैटर पे रिएक्ट करते हुए क्या कहें आप लोग खुद देखिए। बस हम ये करने बैठे हैं, कहने बैठे हैं कि भाई कमेंट करेंगे तो नेगेटिविटी और बढ़ेगी और फायदा। हाँ, तो बस हम ये कह रहे हैं कि इनसे दूर ही रहो ना, देखो ही मत, क्योंकि भाई मैं क्या बोलूं, तुम आप लोगों के सब सामने, मैंने कल भी अपने इंस्टा पे डाला था प्लीज स्टे अवे फ्रॉम फेक नैरेटिव्स। एलविश खुद अपने ब्लॉग में बता रहा है कि भाई बेबुनियाद चीजें हैं, खामा खा की, मतलब समझ रहे हो, कुछ सर बिना सर पैर की बातें अब दिखा रहे हो मीडिया में, उसके बारे में मैं क्या ही बोलता हूँ। आप लोग बहुत वो है समझदार, जो लोग एलविश को स्टार्टिंग से जानते हैं अब से भी जानते हैं, अब क्या बिना सर पैर की बातें। तो बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोग का अपना क्या ओपिनियन एलविश यादव को लेकर नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।